वाट इज़ वाटर साइकिल क्या होता है द प्रोसेस बाई विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस एटमोसफियर एंड लैंड इज नोन एज साइकिल जिस प्रोसेस से वाटर कंटिन्यूसली अपना फॉर्म बदलता है और सर्कुलेट होता है किसके बीच में ओशन एटमोसफियर और लैंड इस तीनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में तीनों एलिमेंट्स के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उस सर्कुलेशन को बोलते हैं साइकिल वॉट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर का मेजर सोर्स होता है रिवर्स पोंड्स स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स रिवर्स पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स फ्रेश वाटर का मेजर सोर्स क्या होता है रिवर्स पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स वॉट आर वेव्स वेवस क्या होता है वेन द वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन राइज एंड फॉल्स ऑल्टरनेटली जब वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन सर्फेस और ओशन के सर्फेस पे जब वाटर जो है ना वो राइज करता है फिर फॉल करता है राइज फॉल तो उसको बोलते हैं हम लोग वेव्स सुनामी क्या होता है एन अर्थक्वेक एवोल्कैनिक इरप्शन और अंडर वाटर स्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओशन वाटर एज अ रिजल्ट अ ह्यूज़ टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी इज फॉर्म्ड तो एक ह्यूज़ टाइडल वेव को सुनामी बोलते हैं और वो तब आता है जब अर्थ के अंदर में जब अर्थ के अंदर में जब कभी भी अर्थक्वेक बोलकैनिक इरप्शन या कोई अंडर वाटर लैंड स्लाइड जब होता है तो सडनली एक लार्ज शिफ्ट हो जाता है बहुत सारे अमाउंट्स ऑफ वाटर ओशन वाटर का तो उसको बोलते हैं हम लोग सुनामी अज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी इज फॉर्मड 22 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं ट्वेंटी सेकेंड मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे वर्ल्ड वाटर डे वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी सेकेंड मार्च वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी सेकेंड मार्च बाईस मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे बाईस मार्च को मेरे एक स्कूल फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था उसका नाम था शारिक अहमद आई रिमेंबर तो ओ, अच्छा तो शारिक बहुत पानी पीता था तो इसीलिए वर्ल्ड वाटर डे सो मार्च ट्वेंटी टू इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे मार्च ट्वेंटी टू सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे वाट आर टाइड्स टाइड्स क्या होता है द रिज रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे जो रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर होता है ना दिन में दो बार उसको बोलते हैं टाइड्स रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस अ डे इज़ कॉल्ड टाइड्स रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस अ डे इज़ कॉल्ड टाइड्स वॉट इज़ द काज ऑफ टाइड्स टाइड्स का कॉज क्या है जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एग्जॉर्टेड बाय द सन जो ग्रेविटेशनल पुल है सन और मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉस द टाइड्स देखो ग्रेविटेशनल जो पुल है वो अर्थ के पास में भी है और सन के पास में भी है मून के पास में भी है तो सन क्या करता है वो खींचता है मून जो है वो भी खींचता है तो जो स्ट्रोंग ग्रेविटेशनल पुल है एक्जर्टेड बाय द सन जो सन एक ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है अर्थ के पानी पे और साथ ही साथ मून भी जो ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है अर्थ के पानी पे उसके कारण से जो अर्थ का जो सरफेस पे पानी पानी है वो हिलता डुलता है मूव करता है तो उसको बोलते हैं टाइड्स तो उसी कारण से टाइड्स होता है सो द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्जर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सर्फेस कॉज द टाइड्स सो so, सन और मून जो है ना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहे हैं सन पे और सॉरी uh, सन और मून ग्रेविटेशनल पुल लगा रहे हैं अर्थ पे तो उनके स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल के कारण से टाइड्स होता है व्हाट आर स्प्रिंग टाइड्स ड्यूरिंग द फुल मून जब कभी भी मून फुल होता है और न्यू मून होता है तो सन मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन तो इसका मतलब टाइड्स काफ़ी हाइस्ट होगा सो दीज टाइड्स आर कॉल्ड द स्प्रिंग टाइड्स तो जब कभी भी फुल मून हो या न्यू मून हो तो इसका मतलब है सन मून और अर्थ एक ही लाइन में होंगे और एक ही लाइन में जब होंगे तो इसका मतलब जो पुल होगा वो काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम होगा इसीलिए जो वहाँ के जो टाइट्स होते हैं उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइट्स नीप टाइड्स किसको बोलते हैं वैन द मून इज इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर्स गेट ड्रॉन इन डायगनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून रिजोर्टिंग इन लो टाइड्स सो दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स स्प्रिंग टाइड्स कब होगा जब फुल मून और न्यू मून होगा ठीक है तो इसका मतलब फोर्स काफ़ी हाई होगा तो टाइड्स हाइएस्ट होता है लेकिन नीप टाइड्स कब होगा जब मून अपना फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में जब होगा ना तो ओशन वाटर्स गेट ड्रॉन इन डायग्नली ऑपोजिट डायरेक्शंस बाय द डायगनली ऑपोजिट डायरेक्शंस बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून तो डायगनली अपोजिट डायरेक्शन में सो जब मान लो पुल अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली उसकी जो इफिशियंसी इफेक्टिविटी होगी वो कम होगी तो डायगनली अपोजिट डायरेक्शन में पुल अगर हो गया तो कम टाइड होगा और अगर सेम डायरेक्शन में पुल होगा तो ऑब्वियसली दोनों मिलकर के अगर उसको खींचेंगे तो ज़्यादा हाइएस्ट टाइड होगा है ना सो वेन द मून इज इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर्स गेट ड्रॉन इन डायगनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून रिजल्टिंग इन लो टाइड्स सो दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स ओशन करेंट्स किसको बोलते हैं ओशन करेंट्स आर कंटिन्यूस प्रेडिक्टेबल डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सी वाटर ओशन करेंट्स जो होता है वो कंटिन्यूस होता है प्रेडिक्टेबल होता है और डायरेक्शनल होता है ओशन करेंट्स प्रेडिक्टेबल होता है कंटिन्यूस होता है और डायरेक्शनल होता है सी वाटर सो कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ सी वाटर बोलो प्रेडिक्टेबल मूवमेंट ऑफ सी वाटर बोलो या डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सी वाटर बोलो उसको बोलते हैं ओशन करेंट्स सो ओशन करेंट्स आर कंटिन्यूस

मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर क्या है रिवर्स पॉन्ड्स स्प्रिंग्स ग्लेशियर्स वेव्स क्या है वेन द वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स इट इज कॉल्ड वेव्स सुनामी क्या होता है एंड अर्थक्विक और वोकैनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंड स्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओशन वाटर एज अ रिजल्ट टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी इज फॉर्म्ड बाईस मार्च को क्या होता है शारिक अहमद का बर्थडे है और साथ ही साथ वर्ल्ड वाटर डे भी है टाइड्स क्या होता है रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड्स What is the cause of tides? The strong gravitational pull exerted by the Sun and the Moon on the Earth's surface cause the tides. What are spring tides? When the full moon and the new during the full moon and the new moon days, the Sun, Moon and the Earth are in the same line. The tides are the highest. These tides are called spring tides. What are neap tides? When the Moon is in first and last quarter, the ocean waters get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of Sun and Moon.